नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री। आज हम पन्ना रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। पन्ना रत्न के लाभ कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं अगर आप पन्ना धारण करते हो तो आपको उनके क्या क्या फायदे देखे गए हैं, कब और कैसे पन्ना को पहनना चाहिए, किस उंगली में किस हाथ में धारण करें, किस धातु में पहने कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके, धारण करने की विधि, किस लग्न वालों को पहनना चाहिए, क्या कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कितने दिन बाद पन्ना जो है अच्छा रिजल्ट देता है, पन्ना की पहचान कैसे करें, और कितने रत्ती का आप कम से कम पन्ना पहने। तो तमाम इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पन्ना होता है वो बुध देव का रत्न होता है। तो बुध देव की जो जो भी खासियत होती है, जो जो वो रिजल्ट देते हैं, तो उनका जो आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा वो क्या क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं, यानी फायदे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मार्केटिंग में अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं, सेल्स की फील्ड में हैं, यानी आपको बोलने का काम है, तो फिर अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो वहां पे आपका वरदान की तरह काम करेगा पन्ना। सलाहकार हैं आप, एडवाइजर है, तो भी आप पन्ना को धारण कर सकते हैं। विजडम जो बुद्धि होती है, यारदास्त होती है, बुद्धदेव उसका कारण होता है, यानी बुद्धि के कारक माने गए हैं बुद्धदेव। यानी अगर आप यारदास्त आपकी बहुत धीमी हो चुकी है या बार बार भूल जाते हो तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। बिजनेस के भी कारक माने गए हैं, यानी जो आप कोई भी व्यापार करते हो उसमें अगर आपको मुनाफा नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, तो आपको पन्ना जरूर धारण करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ज्योतिष का ज्ञान लेना हो या ज्योतिषकार हो तो भी आपको पन्ना धारण करना चाहिए। ज्ञान, अगर ज्ञान के भी कारक माने जाते हैं बुध देव, अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो आप ज्ञान बहुत अच्छा अर्जित करेंगे, ज्ञान के वजह से आपका भाग्य उदय होने वाला है। स्मरण शक्ति, यानी जो याद करने की जो ताकत है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। वाणी, जो बुधदेव है, जो उनका पन्ना है, जो उनका रत्न है पन्ना, ये वाणी को बहुत अच्छा कर देते हैं। किसी किसी आदमी को वाणी दोष होता है, कुछ भी बोल देते हैं, तो अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो आप एक तो हकलाएंगे नहीं, जो कोई भी आदमी हकलाता हो उसे भी पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, और पन्ना धारण करने के बाद आपका हकलाना बंद हो जाएगा और आपकी जो वाणी होगी वो बहुत मीठी होगी, वाणी दोष नहीं होगा, आप कुछ ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को हर्ट हो जाए, दूसरा भाग्य भी आपका साथ देगा। तो तमाम अगर ये सब चीजें अगर आपने पन्ना पहन लिया तो तमाम ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि पन्ना आपको किस कंडीशन में पहनना चाहिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, इन 6 लगन के अंदर ही आप पन्ना को धारण कर सकते हैं। अगर कोई आपकी दूसरी लगन है, जैसे मेष लगन है, या फिर आपकी वृश्चिक लगन है, या फिर आपकी कर्क लगन है, इन लगनों में आपने पहन लिया तो आपको नकारात्मक चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे पन्ना आपको हानि दे सकता है। तो आपको पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी लगन जो है इनमें से कोई एक है जो मैंने मेंशन कही है, इसमें क्योंकि राजा के समान वो रिजल्ट देते हैं और यहाँ पे वो कारक हो जाते हैं, और दो जो दूसरी जो लगन है उसमें वो मारक हो जाते हैं, तो इन्हीं का एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, कोई भी जो ये पहला भाव होता है और जो नंबर यहाँ पे लिखा रहता है उसी से ही हम लगन का पता करते हैं। तो यहाँ पे 7 लिखा है, 7 नंबर का मतलब तुला, तो ये तुला लगन की जो है कुंडली हुई, आप ये समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, तुला यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि बुध देव की 2 राशि है, ये एक ये मिथुन और कन्या, और ये जो है भाग्य स्थान होता है, तो यहाँ पे और बुध देव जो है तुला देव, तुला के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव, शुक्रदेव में और बुद्धदेव में मित्रता होती है, तो इस वजह से वो कारक हो जाते हैं, और यहाँ पे बुद्धदेव को भाग्य स्थान मिला तो भाग्य बदल देंगे आपका, और ये तमाम चीजें तो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम किसी भी रतन को हम धारण करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल हो ले लो, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मिथुन हुआ, तो 3 4 5 6 ये छठा, यानी जो लगन लगन को एक मिली कुंडली बुद्धदेव की और दूसरी मिली भौतिक सुख सुविधा की, तो यहाँ पे तमाम जो भी चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर सुख सुविधा वो सब आपको प्रदान मिल जाएगी, सब मिलेगी मिथुन लगन के अंदर। तो ये जो लगन है सिर्फ आप इन्हीं के अंदर पन्ना को धारण करिए और दूसरी किसी लगन में नहीं करिएगा, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी, अगर आपकी लगन भी यही है और बुद्धदेव इनमें कारक हो जाते हैं पर उनका प्लेसमेंट 6 8 12 में हुआ तो आप बिल्कुल ना पहने। कहने का मतलब है कि बुद्धदेव अगर इस भाव में हुए, बुद्धदेव अगर इस भाव में हुए,
या बुध देव इस बारह में, इस बार ये 6, 8, 12 इन ये जो भाव है छठा आठवां बारहवा होता है, तो इन भाव के अंदर कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि ये जो बाधा के घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट के हैं, सब चीज दिक्कत इन भाव से ही देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा देगा। तो आपको एक तो लगन आपकी ये होनी चाहिए, दूसरा 6, 8, 12 में बुध बैठे हो, तो ये दूसरी कंडीशन हुई आपको। और अगर केंद्र, ये पहला चौथा सातवां दसवां है, केंद्र के भाव होते हैं और त्रिकोण के पहला पांचवा नौवां, अगर बुधदेव यहां पे बैठे हुए हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और यही लगन हुई और बुधदेव का प्लेसमेंट, या कहीं पे भी हो, सिर्फ 6, 8, 12 में ना हो और यही लगन हो, तो आप बुध पन्ना को एकदम धारण कर लीजिए, आपको पन्ना के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये कंडीशन होती है, या ये केंद्र में भी है और ये लगन भी यही है, और बुधदेव अगर उनकी वो सूर्य से अस्त हुए तो आपको जरूर पहनना चाहिए, दो कंडीशन में तो आप जरूर पहने हैं। अगर वो कारक है, मतलब यही लग्न है, और वो केंद्र और त्रिकोण में यानी 6, 8, 12 में नहीं बैठे हुए, पर वो सूर्य से अस्त है, इसका मतलब वो कारक तो है पर सूर्य ने उनको अस्त कर दिया, तो आपको तुरंत एकदम आप पहन सकते हैं पन्ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, अगर उनकी डिग्री कम है, यानी वो 28 से 30 के हैं, यानी मर्त अवस्था में है, या उनकी डिग्री 0 से 1, 2 है, तो यानी बाल अवस्था में, तो भी आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई, किस उंगली में पहने, आपको पन्ना जो है आप लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं, जो ये उंगली है सिर्फ इस उंगली में, और सीधे हाथ की उंगली में पहने, लिटिल फिंगर के अंदर आप इसको धारण कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो लिटिल फिंगर में, पर जो हाथ है वो लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड होना चाहिए, और मेल के लिए राइट हैंड और लिटिल फिंगर। किस धातु में पहने, देखिए पन्ने को सिर्फ और सिर्फ आप गोल्ड में धारण करिए, या फिर आप अष्ट धातु में भी धारण कर सकते हैं, और किसी धातु में आप नहीं पहनेंगे। अगर आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो गोल्ड या अष्ट धातु, इन दोनों में से किसी में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धारण करने की विधि, आप रात को एक कटोरी के अंदर गंगा जल और दूध के अंदर पन्ना को रख दीजिए, पन्ना जो रिंग होगी जो तैयार होके आई होगी, शाम को जब वो रेडी हो जाए उसको रात को भिगो एक कटोरी के अंदर जिसमें दूध और गंगा जल हो उसमें उसको रख दीजिए। फिर शुक्ल पक्ष में बुधवार को सूर्यास्त सूर्योदय के पश्चात आप उसको धारण कर लीजिए, और बुध देव का 108 बार मंत्र पढ़ेंगे, ओम भूम बुधाय नमः, 108 बार मंत्र पढ़िए, और उसको गंगा जल और दूध में से निकाल के, यही जो छोटी उंगली होती है इसे लिटिल फिंगर बोलते हैं, इसमें आप धारण करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। किस लगन वालों को पहनना चाहिए मैंने आपको बता दिया, क्या कंडीशन होती है ये मैंने बता दिया, कितने दिन बाद आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो 45 दिन बाद आपको पन्ना के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहचान कैसे करें, देखिए पहचान करने की बहुत विधि होती है, पर यहां से अगर मैं आपको डेमो दूंगा तो वो नहीं समझ में आने वाला, इसी वजह से आप जो भी लो वो सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड का मतलब एक सर्टिफिकेट उनके पास होगा, जो एक्रेडिट जिसे बोलते हैं, उससे आप सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, और किसी से आप पन्ना नहीं लीजिएगा जब तक आपको ना पता हो कि जो पन्ना है वो सर्टिफाइड है या नहीं। दूसरा, कितने रत्ती का है, सपोज करो अगर आपका जो वेट है वो 50, आप ये समझ लीजिए या आपका 60 केजी है, आपका वेट जो है 60 केजी है, तो कम से कम आपको 7 रत्ती का पन्ना धारण करना पड़ेगा। अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो थोड़ा बहुत अगर रत्ती कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट 60 किलो के ऊपर आपको कम से कम 7 रत्ती का पन्ना तो जरूर धारण करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुंडली में पन्ना धारण करने की विधि और तमाम पन्ना के बारे में सब चीजें बताई। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।